वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन एक अहम स्टोरी है जो शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो एहतजाज किया गया तीन तलवार पर, और हमने देखा कि मुजाहरीन निकले वहाँ, बड़ा एक सूरत हाल बिगड़ी और एक जो सूरत हाल है लड़ाई झगड़े की वो हुई और पुरतशद्दुद एक सूरत हाल देखने को मिली। वहाँ पर रिपोर्टिंग करने वाले जितने सहाफ़ी थे उनको भी बहुत सारा जो तकलीफ़ का है वो सामना करना पड़ा। कभी पुलिस सहाफ़ियों के दरमियान जो है टकराव होता देखा, कभी कोई कैमरा छीन रहा था, और फिर पुलिस एहलकार भी बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए, लाठीचार्ज हुई। ये पूरा सूरत हाल के ऊपर जो है खुर्रम साहब को नोटिस हुआ है, और खुर्रम शेर जमा जो हैं साबिक रुकन असेंबली भी हैं और रहनुमा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके ख़िलाफ़ जो है वो नोटिस हुआ है। और नोटिस के अंदर सूरत हाल ये बनी है कि जो भी ये सूरत हाल बनी है उसके अंदर काफ़ी तादाद है कारकुनों की, 4000 से ज़ायद जिनके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है, और इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमा जो है उसमें नामजद किया गया है। सूरत हाल ये है कि बेले कराने के लिए जो प्रोसेस होता है लीगल, उसके अंदर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आज भी पुलिस जो है वो कोर्ट के बाहर मौजूद थी गिरफ्तारियों के लिए, और जो शिद्दत है इसके ऊपर पूरी तफसील जानने की कोशिश करते हैं हमारे रिपोर्टर K21 न्यूज़ के आतिफ साहब। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा बताएंगे कि क्या बैकग्राउंड है इसका? जी अली बिल्कुल, ये अभी कोई 2 से 3 रोज कबल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कराची तीन तलवार के मकाम पर जो एक रैली निकाली गई थी। वो रैली आपको याद होगा कि उसके अंदर बाकायदा पुलिस के साथ कारकुनान की बड़ी झड़प हुई। SHO जो है वहाँ पर जो है बोर्ड बेसन थाने के, वो भी लड़ाई जो झड़प के दौरान जो इनकी हालत खैर हो गई थी और बेहोश हो गए थे। तो गुज़िश्ता रोज पुलिस की जानिब से जो वाकई का मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें 4500 कारकुनान को नामजद किया गया, जबकि इसी तरह 100 से ज्यादा रहनुमाओं को। तो अली आज ये PTI की जानिब से जो है एक नोटिस जारी किया है अपने ही एक रहनुमा खुर्रम शेर जमान को, जिसमें इनसे कहा गया कि इन्होंने इस रैली के अंदर शहर के ऐसे तमाम उम्मीदवार जो कौमी सूबाई असम्बली के लिए इलेक्शन के लिए वो अपना हिस्सा ले रहे थे उन सबको उस रैली में वहां बुला लिया, और उसके साथ साथ ना सिर्फ तमाम कारकुनान को, और उनकी जानब से ये कहा गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी सरबरा की तरफ से हिदायत है कि वहाँ पर आओ जिससे कारकुनान वहाँ पहुँचे। जबकि जो इनको नोटिस जारी किया गया है उसके अंदर ये कहा गया है कि ऐसा PTI के रहनुमा जब बानी ने कोई बयान नहीं दिया था, बल्कि इनकी जानब से हिकमत अमली थी कि हर हल्के से रैली निकाली जाए, और इन्होंने क्या किया इस हल्के में तमाम लोगों को बुला लिया जिस हल्के से खुद खुर्रम शेर जमान जो है उम्मीदवार थे। तो जिसका नुकसान ये हुआ कि PTI की तमाम क्यादत तमाम कारकुनान एक ही जगह आ गए, और खुद उसके बाद जो है खुर्रम शेर जमान वहाँ से चले, वहाँ से गायब हो गए, ना उन्होंने क्यादत की, जिससे इनको कारकुनान को नहीं पता चला कि वहाँ पे करना क्या है, और पुलिस के साथ झड़प की वजह से ये हुआ कि अब इस वक्त शहर के मतलब जो सीनियर लीडरशिप थी मरकजी उन्होंने ये कहा था कि जी आप हल्के हल्कों के अंदर निकले रैली निकालें, और सूरत हाल ये हुई कि खुर्रम साहब ने वो पूरा का पूरा जो मामला था वो अपने ही इस तरफ अपनी खुद पॉलिसी बना ली। एग्जैक्टली अली ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि रैली जो है वो तमाम हलकों में निकालने का था, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर तमाम लोगों को इसी जगह बुला लिया। मगर आतिफ देखें मामला पता है क्या है, मसला ये है कि देखें कुछ इसमें कारकुन भी होते हैं और कुछ जो है वो कहते हैं कि जी जो पसंद करते हैं किसी सियासी जमात को तो उनके जो लाइकर्स होते हैं गुड विशर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। अब ये जो 4500 मुकदमात जो दर्ज हुए हैं ये सूरत हाल किस संगीन होगी, पूरे पूरे फिर से एक दफ़ा फिर वही सूरत हाल होगी, क्योंकि इसकी पूरी अब पूरा का पूरा लीगल फ्रेम से गुजरना पड़ेगा, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये जो कर तो दिया है ये सूरत हाल। जी अली बिल्कुल ऐसा ही है, अभी अब आपने जैसे कहा ना कि कारकुनान वहाँ पहुँचते हैं तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अब जो वो कल एक सूरत हाल आज देखने में आई कि जब जिन कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो कारकुनान अपनी जमानतों के लिए रहनुमा आज हाई कोर्ट में पहुंचे थे, और जो हाई कोर्ट में पुलिस की भारी नफरी जैसे ही मौजूद थी, जिन कारकुनान की जमानत नहीं हो सकी या खारिज हुई तो फौरी तौर पर पुलिस उनको पकड़ना शुरू कर दिया। कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं आज तक? 18 ऐसे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। अच्छा जी मुकदमा सिर्फ हंगामा रही बल्कि की नहीं, जबकि बाकायदा उसके अंदर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट भी इस्तेमाल की गई है, जो कि आपको जैसे कि पता है कि किसी के खिलाफ मुकदमा उस पर दर्ज हो तो उसके लिए उसको ठीक ठाक टाइम जो है गुजारना पड़ता है, और ये संगीन मैयत का इल्ज़ाम होता है। तो बाकायदा यहाँ पर उसी तरह का हुआ है झगड़े का इनसे मुकदमा हुआ, जिससे इनको बहुत PTI की जो इलेक्शन मुहिम वैसे ही बुनियादी तौर पर काफ़ी स्लो चल रही थी,
इस वाकये के बाद जब इसमें मुकदमात का इंदराज हो गया, कारकुनान ने रहनुमा और उपोषी की ठीक, जारी बहुत ज्यादा वाजह फर्क उसके ऊपर पड़ने का जो है सूरत हाल जो है वो खराब हो गई है। खुद कारकुनान जो है परेशान दिखाई देते हैं, जमानतों के लिए जा रहे हैं तो पुलिस पकड़ती है और गिरफ्तारियां कर रही है। इस सूरत हाल में 4,500 कारकुन और जो वोटर्स हैं या जो लाइकर्स होते हैं वो भी मुश्किल में आ गए हैं। एक गलत पॉलिसी यकीनी तौर पर उसी को समझा जा रहा है खुरम साहब की, जिसपे नोटिस लिया कि अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल निकलती है। तहम एक आम आदमी जो है वो इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं भी एक्टिविज्म शो करता है तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है और उसकी फैमिली और पूरा एक पूरा सिलसिला जो है वो डिस्टर्ब होता है। यकीनी तौर पे करने वाले कर जाते हैं, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, मगर जो सफ़र करते हैं उनको पूछा भी नहीं जाता। बहुत सी जगहों पर हमने ये भी नोटिस की है चीज़। तहम नादरी हम कोशिश करते रहते हैं कि शहर में होने वाले सूरत हाल के ऊपर निगाह भी रखें, आप तक जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हैं चीज़ें मामलात हैं वो भी पहुँचाएँ, मगर प्रोग्राम का जो वक्त है वो महदूद होता है और अब ये कहना पड़ता है कि इख्तिताम की तरफ ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम का जो वक्त है। अपने मेज़बान रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाज़िर होंगे मुख्तलिफ इशूज़ के साथ अल्लाह ने के बाद।